डिस्कस कर देता हूँ इसको, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। पहली बात तो ये देखें, ये जो 13 प्लस अंडर रूट 48 फोर रूट थ्री बन जाता है। हाँ, 13 प्लस क्या 2 रूट 12 बनेगा? हाँ तो 4 रूट 3 और इनटू 1 कर सकते हैं इसको, तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 12 रूट 12 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 12 इंटू 1, ऐसा सही है? हाँ तो ये क्या हो गया, √12 + 1 का होल स्क्वायर, सही है? तो ये हाँ। लिखा हुआ है, इसको क्या लिख पर सकते सर इसमें 13 कैसे आया फिर? अरे 12 + 1 13 हुआ ना, हाँ 13 को हम मैंने 12 + 1 लिख दिया, ठीक है सर। समझा नहीं समझा? नहीं समझ गए। ओके ओके, तो ये अब फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब बताओ ये पूरा कैसे लिखा जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना, ये 3 + √5, 5 माइनस। अच्छा इसका इसका भी अंडर रूट चाहिए, तो इसका अंडर रूट क्या कितना आएगा, √12 + 1 आएगा, चेक करो। अरे इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट करेंगे मतलब इसका अंडर रूट करना है, मतलब √12 + 1 लिख देंगे इसकी जगह, 5 माइनस। हाँ तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √3 + √ ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4 − √12 ऐसा हो गया। हाँ और इसे वापस सब अब यहाँ पे इसको फिर से देखना पड़ेगा, यहाँ पे अलग एक कंसेप्ट। सर आपने क्या किया वो मुझे नहीं समझ में आया, कौन सा वाला जगह बताओ, वो 5 का 4 और फिर माइनस रूट 5 - 1 ना, 1 5 - 1 कितना, हाँ 4 हाँ और −√12 हो जाएगा। अच्छा हाँ ओके ओके हाँ समझ, ब्रैकेट ही ओपन कर दिया और कुछ नहीं। हाँ। अच्छा अब यहाँ पे भी 4 − 12 को क्या 2√3 लिख सकते हैं, 12 को 4 − √12 था, 4 − √12 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 12 is 4 × 3 ऐसा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया, और −2 × √3 × 1 ये सही है। तो ये क्या लिखा जा सकता है, √3 − 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, और फिर ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √3 + अच्छा इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट करेंगे तो कितना, √3 − 1 आ जाएगा, चेक करो ठीक है सर, यही आता है सर, 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √3 − 1 तो 2 + √3 सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक काम करते हैं सर। हाँ बोलो। फिर मैंने बोथ साइड्स को स्क्वायर किया, नहीं स्क्वायर, हाँ स्क्वायर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसको, तो वही होता है सर क्योंकि अगर 2 अंदर ले भी लिया तो वह 4 होता है, तो सेम ही होता है। हाँ सेम, सही कहा, मैं एक काम करता हूँ, रूट इंस्टेड ऑफ दैट कि हम यहाँ √2 बचा के रखें और √2 अंदर लेके जाएं, तो क्या ये 4 + √3 आ जाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो।
टू को लिखा रूट टू इंटू रूट टू, एक रूट टू इसको दे दिया, देखो यहां से टू रूट टू हो जाएगा इंटू रूट टू इंटू, नहीं टू रूट टू नहीं आएगा, टू प्लस रूट थ्री है। तो अब चूंकि इनका पावर, दोनों का पावर रूट टू है, तो फिर क्या उसके बाद ऐसा लिखा जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। समझ में नहीं आया सर। हाँ नहीं समझ में आया। अच्छा यहाँ से ये समझा क्या ये स्टेप? हाँ ये स्टेप समझा, लेकिन बाद में ये हाँ सर रूट ऑफ टू प्लस रूट थ्री को ऐसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब कर सकते हैं क्या? अब समझा क्या यहाँ? हाँ अब समझा क्या? ओके ओके दोनों पे रूट है। अब यहां से ये स्टेप समझा क्या? आद्या समझ आया क्या? अवनी क्या? हाँ सर। शिवदात्री समझ आया? ओके तो डायरेक्ट ये इतना आपको बिल्डअप करना पड़ेगा माइंड की, आप डायरेक्ट यहां से ये लिख पाओ, इतना थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि रूट टू है और बाय द वे उसमें यही प्रोसेस चल रहा होता है कि इसको लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू इंटू दैट। और चूंकि दोनों पे रूट टू है, पावर सेम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब फोर प्लस रूट थ्री। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, और ऐसा करने से हो क्या गया कि इसको लिख सकते हैं रूट टू टाइम्स, और ये अंडर रूट, ये फोर प्लस रूट थ्री जो है ये रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर है। चेक करो क्या ये सही है, चेक इट आउट, थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर है ये, है ना? तो ये कितना हो गया रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, और अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट टू से, तो कितना हो गया रूट सिक्स प्लस रूट टू, और यही बोला गया कि दिस इज रूट ए प्लस रूट बी है। तो बताओ ए सिक्स और टू, हाँ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू है ना सिक्स प्लस टू दैट इज एट आ जाएगा, तो यही आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एट। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व दिस, दिस क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ठीक है सर, इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे इसमें? देखो ये हो गया लॉग टू टू द पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41 टू द बेस 10, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू हो गया एक्स टाइम्स लॉग, इस वन को क्या, इस वन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 to the base 10 minus log वही किया मैंने pi to the base 10, और ये कितना हो जाएगा x log, ये बेस सेम है तो ये 10 by 5 लिख सकते हैं, 10 by 5 कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा log 2 to the power x to the base 10, सही है। अब देखो ध्यान से, ये और ये दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है, तो इसका क्या मतलब आता है, टू की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41 इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स, और ये कट हो जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 41। क्या यही आंसर आया? नहीं देख लो, यदि आप सर एक्स 41 ही आया, यही आया, यही आया सर। हाँ गुड, इस तरह से अप्रोच करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, है ना? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन,
if the product of the root of the equation this is equal to root 2 is this, where a b belongs to natural number, then value of a plus b is. सॉल्व कर देते हैं इसको. देखो क्या करना है इसमें. ध्यान से देखना, एक कंसेप्ट है. जैसे x की पावर a इज इक्वल टू रूट टू होता या कुछ b होता, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ log ले लेता हूं. टेक log बोथ साइड. तो log x टू द पावर a इज इक्वल टू, अब देखो चूंकि यहाँ सब जगह बेस टू है तो लॉग बी इस तरह से लिख सकता हूँ. अब बेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना चाहिए. दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, अब बेस क्या लेना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. तो हम लेट से हम टू ले लेते हैं, चलेगा. और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू है, ये जो सब में बेस टू है तो हम भी टू ही ले लेते हैं यहाँ पे. और ताकि ये फिर ये क्या हो जाएगा, ये a इधर आ जाएगा, a टाइम्स log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log b टू द बेस 2. तो क्या यहां से ये डायरेक्ट समझ में आता है, दोनों तरफ log लिया तो फिर ये ऐसे हो जाएगा. ध्यान से देखो, क्या डायरेक्ट यहां से ये लिख पाओगे, यदि लिखना पड़े तो a टू द पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log b टू द बेस 2, क्या ये सही है? हाँ सर. है ना, ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं समझा आद्या, समझ आया क्या कॉन्सेप्ट ये? अब समझा है ना. अब ये कॉन्सेप्ट के बिहाव पे इस पे हम log लगा रहे हैं, दोनों तरफ log लगा रहे हैं, लेकिन log का जो बेस होगा वो कितना लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, 2 बेस रहेगा. तो ये देखो x की पावर में ये सब है, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3/4 log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कितना आएगा, log x टू द बेस 2 और इज इक्वल टू क्या, ये log रूट 2 टू द बेस 2 हो जाएगा. चेक करो, यदि आपको ये समझ आया तो ये कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए. सबको समझा क्या? एक बार फिर से देखो, ये पावर में है बच्चा, ये बाहर आ जाएगा, log x टू द बेस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, इज इक्वल टू रूट log ऑफ रूट टू टू द बेस 2. अच्छा बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या ये 1/2 होगा, ये 1/2 हो जाएगा. लेकिन सर रूट टू कैसे आया, ये रूट टू गिवन है ना, ये देखो इज इक्वल टू रूट टू है. अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा ये देख लेते हैं. देखो बार बार log x टू द बेस 2 आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ, इस इक्वेशन को. इसका सुंदरीकरण कैसे करेंगे, है ना. जैसे log x टू द बेस 2 को मैं t ले लेता हूँ, चलेगा. लेट log x टू द बेस 2 को t ले लेता हूँ, मतलब बार बार जो चीज दिख रही है तो उसको मैंने इधर t ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 है ना, और इनटू t इज इक्वल टू 1/2, चलेगा. अच्छा अब यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इनटू t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा अभी ये क्यूबिक बन गई, और क्यूबिक को कैसे सॉल्व करेंगे ये तुम्हें बता देता हूं. 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ पे ये तो बहुत थोड़ा क्यूबिक बन गया है। क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले कुछ हिट एंड ट्रायल करते हैं, जैसे टी इक्वल टू वन पुट कर दिया, टी इक्वल टू वन पुट किया तो बताओ क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? टी इक्वल टू वन पुट करने पे हो हाँ सर, रहा है ना? देखो कितना, थ्री थ्री प्लस प्लस फोर माइनस फाइव माइनस टू आंसर होता है। ट्रू है ना? तो यदि टी इक्वल टू वन पुट करने पे ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टी माइनस वन इज अ फैक्टर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा है ना, फैक्टर थ्योरम है रिलेटिव तीन होने चाहिए ना। ना? हाँ, तीन फैक्टर होंगे तो एक मिल गया ना, एक मिल गया। अब यदि ये फैक्टर है इसका, तो इससे डिवाइड कर सकते हैं इसको। डिवीजन आता है आप सबको? हाँ सर, डिवीजन हाँ कितना सर, आता है? करके हाँ दिखाओ, वो आंसर आता बताओ कितना आ रहा है। थ्री टी क्यूब है। प्लस ठीक फोर टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस टू। जल्दी से बताओ क्वोशेंट क्या आएगा, हमें कौन क्वेश्चन सर, टी पता करना है। सर, थ्री टी स्क्वायर पहला वाला क्वेश्चन एक मिनट, एक कर बता रहा हूँ, सॉरी लीजिए, पूरा पूरा करने के बाद बताइए। ठीक है, प्लस टू। सर ये डिवीजन कैसे करना मैं भूल गई। चलो मैं बता देता हूं एक बार। देखो टी क्यू चाहिए, थ्री टी क्यू चाहिए, ठीक है? तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये थ्री टी क्यू आ जाए? इसमें किससे मल्टीप्लाई ओके ओके करें? तो थ्री टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, है ना? थ्री टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? देखो थ्री टी क्यू और साथ ही हाँ साथ कितना आएगा, माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इतना आया, अभी इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये कट हो गया। और साथ में क्या मिला देखो, फोर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाइव टी स्क्वायर माइनस सर उसे माइनस थ्री थ्री। टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये कट गया ना, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, थ्री टी स्क्वायर माइनस नहीं, आप जब नहीं, मल्टीप्लाई उसके कर रहे नीचे लाइक सर, नीचे वाला वहां -3t² माइनस होना टी स्क्वायर चाहिए। थोड़ी हाँ ना सर, होगा। सर -7t² होगा, सॉरी 7t² प्लस हाँ 7t² नहीं नहीं प्लस एक्चुअली देखो देखो हो क्या रहा है, ये वेट वेट वेट, जब किसी चीज को माइनस कर रहे हैं, +2 -7x ऐसा कुछ है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, -2 +7x ऐसा आ जाएगा ना, है ना? वही चीज यहाँ पे अप्लाई की गई है कि सर वो पर सर वो थ्री लेकिन टी वो स्क्वायर तो इंटू माइनस वन तो सॉल्व 3t² आता है ना। होना होता है ना। हाँ टी क्यूब अगर -3t² वेट वेट थ्री टी t² स्क्वायर मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय टी वन माइनस वन से मल्टीप्लाई करो एग्जैक्टली कितना आएगा बताओ तो एग्जैक्टली उधर टी स्क्वायर नहीं थ्री टी चाहिए। हाँ अरे थ्री टी सर, स्क्वायर हाँ वेरी गुड, ये सही बोला, तो इसीलिए वही 70² बता आ रहे रहा है थे। और प्लस सेवेंटी स्क्वायर है ना। 70 आएगा और फिर हाँ अभी ठीक है। तो 3t³ -3t² मेरी गलती हो गई थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, तो हो प्लस गया और ये कितना हो गया 70² वो आगे पता चल जाता कि कहाँ गलती कर दी है, क्योंकि आगे फिर फैक्टर बनता ही नहीं है। -5t ऐसा। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? तो सेवेंटी 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 हाँ बिल्कुल, 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 70² माइनस और कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस वाला हो गया तो ये कट हो गया, और ये कितना 70 -5t, क्या ये 2t आ गया, माइनस टू टी और टू टी माइनस माइनस टू और टू फिर अब टी से मल्टीप्लाई करने के लिए +2। हाँ +2। सर ऐसा ही आया है। हाँ सर, टी माइनस टू मतलब अब जीरो आ गया। हाँ जीरो आने का मतलब है कि हमने प्रोसेस बिल्कुल ठीक किया है। तो इसके फैक्टर क्या हो टी जाएंगे? माइनस वन, थ्री टी प्लस वन और टी प्लस टू। इसके फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस वन इंटू थ्री थ्री टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 70+2। प्लस टू। क्या इसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे? करते हाँ सर, थ्री टी रहो प्लस करते वन रहो। और टी प्लस टू। टी माइनस वन इसके फर्दर फैक्टर होंगे, थ्री टी प्लस वन एंड टी और टी प्लस प्लस टू
चेक करो। हाँ सर करेक्ट है। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है टी का वैल्यू बताओ, तो टी का वैल्यू क्या क्या आ गया? वन आ गया, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री और माइनस टू, और माइनस टू आ गया। बाय द वे टी लिया क्या था? लॉग एक्स टू द बेस टू, सो लॉग एक्स टू द बेस, दिस वाज लॉग एक्स टू द बेस टू। तो बताओ एक्स क्या क्या मिलेगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू की पावर वन, टू की पावर माइनस वन बाई थ्री एंड टू और पावर माइनस टू। तो यही रूट्स हैं, दीज आर दी रूट्स, है ना? कोई ऐसा एक्स है जो इसे सेटिस्फाई ना करे? ऐसा कोई एक्स है? लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है, तो ऑलमोस्ट आप एक सेकंड नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, है ना? हाँ, ये रूट्स है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी सिर्फ रूट्स निकाले हैं। टू की पावर वन, टू की पावर माइनस थ्री, माइनस वन बाई थ्री और टू की पावर माइनस टू, ये रूट्स है। लेकिन ये क्या बोला जा रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज दिस, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, वन अपॉन बीथ रूट ऑफ ए, जितना भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट, मतलब टू की पावर वन इंटू टू की पावर माइनस वन बाई थ्री इंटू टू की पावर माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन बीथ रूट ऑफ ए, बीथ रूट ऑफ ए ऐसा लिखा गया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बताओ कितना आ जाएगा, टू की पावर कितना आएगा? क्या ये माइनस फोर बाई थ्री आ जाएगा? हाँ, चेक करो, चेक करो। हाँ, माइनस फोर बाई थ्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर फोर बाई थ्री लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर फोर की पावर वन बाई थ्री लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन क्यूथ रूट ऑफ टू टू पावर फोर, मतलब सिक्सटीन, तो वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन, ऐसा आ जाएगा। हाँ सर, इसमें पूछा गया ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर दिए हैं, चेक करो इन्होंने नेचुरल नंबर दिए हैं ना, ए बी बिलोंग्स टू, और ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी 19 हो जाएगा, 19 सॉरी, तो a प्लस बी कितना आएगा, a 19, a तो हो गया 16 और b हो गया 3, then a प्लस बी इज इक्वल टू 19। क्या समझ आया? हाँ सर, है ना? हाँ सर।